तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज आप लोग देख सकते हैं हम लोग डी रैप पर आ चुके हैं रैप कराने के लिए। थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं एक अपनी बेनेली रैप हो रही है 600i, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। अभी सीट वीट थोड़ी निकली हुई है इसकी, इनलाइन 4 सिलेंडर मशीन है ये। तो यहाँ पर डी रैप पर गाइस बहुत बढ़िया बढ़िया रैप होती है, आप देख सकते हैं होंडा अपनी शाइन भी मॉडिफाई हुई रैप हुई हुई रखी है। ये देखिए थोड़ा पीछे नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। बाकी गाड़ियाँ यहाँ मॉडिफाई, एक अपाचे देखिए RTR कार्बन फाइबर में, तो दिख रहा होगा शायद, और एकदम नई लग रही है गाइस। पुरानी गाड़ी है जबकि इसका मीटर आप देख सकते हैं एकदम नई की तरह टग्गी की शाइन मार रही है। और अगर अपनी बाइक पर भी गाइस थोड़ा सा मैंने जो है अपना यूट्यूब का सिंबल चिपकवाया है, लोगो जो है सिमोनिक रेडर का, आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। इस तरफ से भी एक लगवाया है, होप आप लोगों को दिख रहा हो। बताइए कमेंट करके गाइस कैसा लग रहा है। अभी एक इंस्टाग्राम का भी मैं लोगों को आगे लगवाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को लगा के सिनेमैटिक्स थोड़ा दिखाता, लेकिन भाई ने तुरंत ही लगा दिया यार, मतलब बहुत जल्दी काम कर दिया। तो देखते हैं आगे जब इंस्टाग्राम का लोगो लगता है अपना, तब आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा। तो गाइस अभी अपने आशीष भाई की गाड़ी का ये हाइब्रिड का सिंबल निकाला जा रहा है, नया लगवाएंगे यहाँ पर क्योंकि इस पर दाग आ चुका है शायद दाग अच्छे होते हैं डिटर्जेंट से धोए सर्फ एक्सेल। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गंदा हो गया, ये निशान छूट नहीं रहे, इसलिए ये अभी हटवा रहे हैं साफ करके ठीक से। हाँ बढ़िया लगेगा। तो भाई बनेली का साउंड सुन सकते हैं आप लोग, स्टार्ट करो भाई। डबल वायरल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं दोनों। यहाँ पर एक बुलेट भी हो रही है मॉडिफाई, आप तो देख सकते हैं पूरी टंकी जो इसकी ब्लैक कलर की कर दी गई है रैप, वही काट रहे हैं। तो आप तो देख सकते हैं फ़र्क ये है ओरिजिनल और ये इसकी टंकी ग्लॉसी, देख सकते हैं आप तो कितना फ़र्क है। तो कुछ इस तरीके का व्यू है डी रैप पर, देख सकते हैं आप लोग, हर तरीके का आपको मिल जाएगा रैप जो भी आप लोग करवाना चाहें। दिस वीडियो इज़ नॉट प्रमोशनल गाइस, यहाँ मैं आया हूँ अपना काम करवाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन बना दूँ, एक वीडियो बना दूँ जो लोग भी अपने लखनऊ से हैं जो कराना चाहते हैं रैप वगैरह उन सब के लिए। तो बनेली यहाँ अपने सामने खड़ी हुई है, इधर अपनी बाइक खड़ी हुई है, बढ़िया लिखा हुआ है डिमोनिक राइडर, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। तो देखते हैं। सो गाइस इस टाइप का हमने अपनी बाइक में लगवाया हुआ है डिमोनिक राइडर, काफ़ी अच्छा लग रहा है डी रैप का काम गाइस। और अपने इंस्टा आईडी मैंने यहाँ पर लिखवाई है डिमोनिक राइडर 32। सो गाइस यही कुछ था, इस तरफ भी मैंने लिखवाया हुआ है इसके, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन फॉन्ट में भाई ने लिखा है। और डी रैप गाइस आप लोग आ सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी करवाना है अपना बाइक में रैप वगैरह सब कुछ यहाँ पर होता है। आप बताओ भाई कैसी लगी? बढ़िया तो गाइस हम लोग रुके हुए हैं यहाँ सिग्नल पर हजरतगंज के, मैंने कहा आप लोग गोमती नगर तो मैं घुमाता ही रहता हूँ, आज हजरतगंज भी अपना घुमाया जाए थोड़ा। रात में हम लोग निकले हुए हैं जैसे थोड़ा बहुत रैप कराना था डी रैप से, तो
मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वहीं से हम लोग निकलते हुए आए असरगंज की तरफ से हुआ। सिग्नल खुले यार, यहाँ असरगंज में सिग्नल बहुत रहते हैं, सिग्नल पे सिग्नल, इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं जाते, गोमती नगर जाते हैं, वहाँ सिग्नल कम है और भगाने में दम भी रहता है। तो भाई गाड़ी लोग देख रहे हैं पलट पलट के हम लोग की, दो आर ऑन फाइव यार, जहाँ लग जाती हैं वहाँ भौकाल तो अपना हो ही जाता। वैसे तीन चार रहती हैं अपने ग्रुप में, लेकिन आज दो ही आ पाई, बाकी लोग भाई अलग अलग काम रहता, सब लोग एक ही टाइम पर फ्री नहीं रह पाते। फिर भी वो देखिए अराउंड के लिए आ रही हैं, ये बहुत बड़े। तो सिग्नल हो चुका है गाइस, लेट गो, 1 2 3। लड़ा गया फिर पता कर भाई, लड़ाई क्या भाग गया, हुआ नहीं कुछ, हुआ नहीं है कुछ। फ्लैश मारो, फ्लैश मारो इसको, फ्लैश मारो, टायर ही लड़ा है इसका। बच गई तो अच्छी बात है। हाँ यहीं से लड़ी है ये हल्का, इधर से ऐसा आया। हाँ हमने देखा हल्की सी जगह लाइनिंग जा रही है। हाँ भाई पीपीए बचाई जगह था। अच्छा बस ना उतना उसको रोक के लिए था, यहाँ से उनको आया है कल का।